हमारे चारों तरफ इतने सारे बड़े बड़े गैजेट्स हैं, एरोप्लेन से लेकर स्मार्टफोन, इतने सारी चीजों से हम घिरे हैं, और हमेशा हमारे दिमाग में सवाल ये आता है कि आखिर इन सबकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी। तो यार आपको बताऊं कि साइंस में ना अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी चीजें जो आज हमारे चारों तरफ है उनकी शुरुआत बहुत ही बेसिक लेवल पे की गई थी किसी रेगुलर ऑब्जर्वेशन के ऊपर। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है बॉल पॉइंट पेन। अब चाहे आप मानो या ना मानो, ये चीज दोस्तों एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी पुराने जमाने में, जो कि फेस की थी लैजलो बीरो ने, जिनका बर्थ हुआ था हंगरी में, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, वो अर्जेंटीना में रहा करते थे, और उनको बहुत ही प्रॉब्लम थी फाउंटेन पेन से, बिकॉज फाउंटेन पेन जो था उसमें इंक जो है वो सूखने में टाइम लगाया करती थी, उनकी जो लिखने की स्पीड थी वो काफी कम होती थी। तो उनको लगा कि क्यों ना कुछ नया इन्वेंट किया जाए। तो उन्होंने अपना एक वर्जन इन्वेंट किया बॉल पॉइंट पेन का, जिसने बाद में पेटेंट भी किया, और दुनिया भर में इस पेन को बायरो के नाम से जाना जाता था। बेसिकली इसमें क्या था कि एक सॉकेट के अंदर एक मेटल बॉल थी, वो फ्रीली घूमती थी, और जो पीछे रिफिल में इंक है उसकी एक पतली सी लेयर वो पेपर के ऊपर छोड़ देती थी, जिससे वो काफी जल्दी सूखती भी थी और लिखने की स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज जाया करती थी। बेसिकली 1930s में जो ब्रिटिश पायलट्स थे उन्होंने भी इस पेन को इस्तेमाल किया, बिकॉज हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जब वो प्लेन में अगर कुछ लिखना चाहते थे तो वहां पे फाउंटेन पेन काम करता नहीं था, और उस टाइम पे बैरो जो था वो दुनिया भर में एक बहुत बड़ी सक्सेस बन गया था। बेसिकली उन्होंने अपने इस पेटेंट को दो कंट्रीज में रजिस्टर किया, अर्जेंटीना और फ्रांस, जहां पे आज मजे की बात कि अर्जेंटीना में उनके बर्थडे को, जो कि 29th ऑफ सितंबर है, नेशनल इन्वेंटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मतलब कोई चीज की शुरुआत हो सकता है किसी बेसिक आइडिया से हो, लेकिन साइंस की मदद है कि वो दुनिया भर में आगे क्या पता बहुत बड़ी बन जाए।